Hello viewers, welcome back to our channel 360 Degree Hub. This is your host Ali Raza, SEO expert. और आज हमारे साथ हैं राजा फैजान तनवीर, SEO expert. वो भी SEO expert हैं, मैं भी SEO expert हूँ, दोनों SEO experts हैं. तो आज हमारे डिस्कशन में थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ी सी हम बहस भी करेंगे चीजों पे. तो फैजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सब? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, लास्ट जो हमारी वीडियोस गुजरी हैं उसमें हमने कुछ डिस्कशन वगैरह की कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, फैजान भाई ने आपको बताया. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने कंटेंट की जो लेंथ है उसके बारे में आपको बताया, कुछ थोड़ा सा डिटेल वगैरह आपके साथ शेयर की. फिर कीवर्ड रिसर्च भी हमारी वाला भी डन हो गया, पॉइंट हमारा क्लियर हो गया. उसके बाद आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एज अ बिगिनर कॉन्टेंट राइटिंग में क्या आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या चैलेंजेस मतलब आपको होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि जी हम स्टार्ट से कंटेंट राइटिंग करें, वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. तो प्लीज अगर आप कुछ बताना चाहें कि बिगिनर्स फॉर एग्जांपल हैं कोई, उन्होंने कॉन्टेंट अच्छा, इसमें ऐसे है कि जरूरी नहीं बिगनर्स के लिए स्पेसिफिकली तो नहीं है, हमारी वीडियो सबके लिए ही है. यूजुअली ये इश्यूज आते हैं जो बिगनर्स हैं उनको, के जी सर मतलब हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास डेडिकेटेड कोई कंटेंट राइटर नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक स्पेसिफिक कॉन्टेंट राइटर, और अच्छा कॉन्टेंट राइटर तो ठीक ठाक वैसे चार्ज करेगा, ठीक है. तो आपने कंटेंट कैसे जनरेट करना है और अच्छा भी हो और उसकी लेंथ, अब जाहिर है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंटेंट की लेंथ मैटर करती है, आप ज्यादा कीवर्ड, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए, ठीक है, जितना आपका कंटेंट लेंथ ही होगा. और कंपेटिटर एनालिसिस से भी हमने देखा जी कि आपको टॉप 10 में जो पहले पेज के ऊपर जितनी वेबसाइट्स नजर आ रही होंगी उन सब का कंटेंट बहुत लेंथी होगा. ये आप मतलब इसको आप खुद चेक करिए अपने पास, एज एन एग्जांपल आप जाएं गूगल पे टॉप 10 वेबसाइट्स निकालें, उनका कंटेंट देखें, वो डेफिनेटली बहुत लेंथी होगा, जो लोग भी आपको टॉप 10 पे बैठे हैं मिल जाएंगे, ठीक है. अब इसमें जो नया बिगनर है उसने जब ये इतना लेंथी कंटेंट 10,000 वर्ड्स 12,000 वर्ड्स आपने लिखने हैं तो उसने कैसे लिखना है या उसने कैसे जनरेट करना, ना वो कंटेंट राइटर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है. तो और फिर हम इसी वीडियो में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है कंटेंट, मतलब आपने इस कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है. तो इंटरनेट पे अब मतलब या तो हम लोग ना बिल्कुल या लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं या राइट साइड पे चले जाते हैं, आपको एक साइड मिलेगी जो कह रही है जी AI टूल्स यूज ही नहीं करना है आपने, ठीक है. दूसरी साइड मिलेगी जी कि वो धड़ाधड़ AI टूल्स ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वही जो AI टूल ने जनरेट किया वो दिया उस और आगे पब्लिश कर दिया, ठीक है. तो ये काम, दोनों काम ही गलत है मेरे नजदीक. अच्छा, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि जब ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट मतलब गूगल ने रोल आउट की थी तो उसमें मैं कहीं पढ़ा था कि इससे जो है ना AI के जो टूल्स हैं कंटेंट जनरेट करने के उनको हेल्प कर सकती है. आई डोंट नो कि सच है झूठ है, लेकिन इट्स अ रिसर्च. अच्छा, ये हेल्पफुल कंटेंट वाली जो गूगल की अपडेट है, मेजर अपडेट है ये, तो इसके महीने, दो महीने, तीन महीने गुजरेंगे तो उसका रिजल्ट पता लगेंगे कि जी क्या उससे इफेक्ट हो रहा है, किन पे इफेक्ट हो रहा है, किन पे नहीं हो रहा, ठीक है. लेकिन मेरे नजदीक ये है कि एक अगर आप सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट कोई कंटेंट जनरेट करना चाह रहे हो और आप एक प्रॉपर काम स्टार्ट करना, ऐसे चस्के चस्के लेने वाली बात नहीं कि जी आज लिख लिया कल छोड़ दिया परसों लिख लिया, चार दिन लिखा 10 दिन फिर बीच में से गए. आप प्रॉपरली फोकस्ड होके अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो बहुत सारे टूल्स फ्री में भी अवेलेबल है. एक मतलब मेरी ये एडवाइस है कि कभी भी आपने कंटेंट फर्स्ट टाइम में लिख के उसको फौरन पब्लिश नहीं करना, उसकी 3-4 रिविजन्स करनी है, ड्राफ्ट बनाना है आपने, कंटेंट आपने जनरेट किया उसको रिवाइज करना, इधर उधर आपने जैसे भी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, नेट पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं,
और फिर उसको आपने रिवाइज करना, देखना अच्छा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता। 3-4 रिविजन्स के बाद आपने कंटेंट पब्लिश करना। अच्छा पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश जनरेट हमने कैसे करना है कंटेंट, और वो भी मतलब लोगों को यही इश्यूज होते हैं, पेड टूल्स तो मिल जाते हैं कंटेंट जनरेट करने के लिए, लेकिन फ्री टूल्स कैसे। तो ये जो हम लोग मतलब मैं खुद भी यूज करता रहा स्टार्ट में इसको, ये एच सुपर टूल्स पे आप लोग चले जाओ, ठीक है, वहां पर आपको शेयर टेक्स्ट के ऊपर मेन्यू में ऑप्शन है, उसके अंदर है आउटलाइन जनरेटर, आप उसमें टॉपिक डालोगे वो आपको बेसिकली हैक स्केच एजुकेट सुपर टूल्स, ये भी कंटेंट क्रिएटर ही हैं, हसन नाम है उनका, मेरे ख्याल से यूएस में होते हैं, वहां से वो करते हैं और काफी अच्छा उनका कंटेंट है, मैं काफी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आपने आउटलाइन जनरेट करनी है वहां से, आउटलाइन क्या है बेसिकली हेडिंग्स है, ठीक है, आपने आउटलाइन जनरेट कर ली, उसको अपने पास कहीं पे पेस्ट कर लें। अब वन बाय वन आपने वो हेडिंग्स उठानी है और ऐसे ही वहीं पे इसी एच सुपर टूल्स में आपको कंटेंट जनरेटर भी मिल जाएगा, ठीक है, एआई के टूल्स में होगा या टेक्स्ट में, आप इसको एक्सप्लोर करें, आपको काफी सारी और भी चीजें मिल जाएंगी। टेक्स्ट जनरेटर में जाएं, पहली जो आउटलाइन जनरेट की हुई है वो आप उसमें पेस्ट करें, वो आपको 100-150 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट करके देगा। जो आपने अपने पास फाइल बनाई हुई है जिसमें सारी आउटलाइन आपने पेस्ट की हुई है, पहली वाली के नीचे जो कंटेंट जनरेट हुआ वो आपने डाल दिया, ऐसे ही दूसरी, ऐसे ही तीसरी, ऐसे ही चौथी, 5-6 जितनी भी आपको आउटलाइन जनरेट करके दी थी उसने, आप उनको सीक्वेंस में अपने पास नोट डाउन कर। अच्छा, कंटेंट प्लेजराइज तो नहीं होता? नहीं, प्लेजराइज नहीं होता, लेकिन आप अपने तौर पे इसको प्लेजराइज, इसका प्लेजरिज्म चेक करिए। अच्छा, ये तो अभी हमने कंटेंट जनरेट नहीं किया, कंप्लीट नहीं हो गया हमारा कंटेंट, ये तो स्टार्ट है, एक ड्राफ्ट आपके पास बन गया, एक बेसिक वेरिएंट आपके पास आ गया कंटेंट का। अच्छा, ये आपकी बात कर रहा हूँ, ये बताएं, ये हम छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरह से आगे पीछे यूट्यूब की वीडियोस की ऑल दैट छोटे मोटे उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मेरा कहना ये है कि आप एआई के टूल से जो मर्जी जनरेट करें उसमें ह्यूमन इनपुट होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नजर आनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन का लिखा हुआ जो कंटेंट होता है ना वो नजर आता है, आप उसको गो थ्रू करें, उसके अंदर रिविजन्स करें, बार बार प्रूफ रीडिंग करें, उसमें कुछ थोड़ी चेंजेस करें, सेंटेंस ऊपर नीचे करें, मतलब ऊपर नीचे से मुराद है उसको पढ़ें, कुछ उसमें ऐड करें, कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, जो आपको लग रहा होगा यार ये ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक उसका वेरिएंट बन गया, उसका स्ट्रक्चर बन गया कंटेंट का, ठीक है, जो हमने अभी ये यहाँ से जनरेट किया। अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी रिसर्च कर लें इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल हमने पहली आउटलाइन कोई जनरेट की है जी एक्स वाई जी, तो स्पेसिफिकली आप उसी के बारे में अब आप इंटरनेट पर रिसर्च कर लें, उसके कुछ फैक्ट्स निकालें, इमेजेस ढूंढें, उसकी कोई बेशुमार आपको मिल जाएगा, उसी तरह के इमेजेस आप बनाएं, और ये जो फैक्ट से रिलेटेड इमेजेस होती हैं ये आपको बाद में बैकलिंक्स में भी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है, लोग आपके इमेजेस यूज करते हैं और आपको बैकलिंक्स देते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एआई का टूल यूज करें आप और उसके साथ ह्यूमन इनपुट उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लाजमी है उसके अंदर, तो इस तरह आप ये, और ये है मेरे ख्याल से फ्री टूल है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ साइन अप करना है और इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इंशाल्लाह, तो ये हो गया, इसका लिंक भी हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, प्लस इसमें मुझे ये बता देंगे टाइम ज्यादा तो नहीं लगता इसमें जनरेट करने में या क्या? नहीं, कोई टाइम देखें, बेसिक बात ये है कि एआई का टूल यूज क्यों करना चाहिए, मेरे नजदीक आजकल इतना फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है ना काम का, कि अगर आप ये कहेंगे वो जो बात की जाती है कि हमने क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना, महीने में एक करना है, वो फिर बहुत डिफरेंट एक माइंडसेट है, अगर उसको लेके चलेंगे आपको बहुत टाइम भी लगेगा, नो डाउट वो फिर क्वालिटी तो जाहिर आती है, लेकिन फिर वो आपको वैसे ही कॉन्टेंट राइटर रिक्वायर्ड है, वैसे ही जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको, आजकल का एनवायरनमेंट ऐसे है कि बहुत फास्ट पेस पे आपने काम करना है। और दूसरा एक और चीज भी, मतलब मैंने जो मेरे नोटिस में आई है कि आपको इन्फॉर्मेशन बेतहाशा मिल जाएगी हर जगह से,
जो बात आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, यहाँ हम 360 के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, यही बातें कोई और भी कर रहा होगा, लेकिन ऑडियंस को पसंद, जिसकी टोन पसंद नहीं आती, जिसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आता, तो ऑडियंस नहीं देखती उसको। ठीक है, ऐसा ही है कि जब आपका कंटेंट जो आप लिख रहे हो ना, उसकी टोन होती है, एक तरीकेकार होता है लिखने का, आपने किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो वो जब जो आपकी ऑडियंस होती है उसको आपका कंटेंट पसंद आएगा, वो किसी और का कंटेंट नहीं। आप रैंक कर रहे हो कि थर्ड पे कोई पहले पे है तो वो उसको नहीं पढ़ेगा, तीसरे वाले पे क्लिक करेगा, वो आपकी ऑडियंस है। ठीक है, तो ये चीजें बस आपने जेहन में रखी कंटेंट जनरेट करने के लिए, और एआई के टूल्स को यूज करें प्लस ह्यूमन इनपुट के साथ। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास उनके कंटेंट राइटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो कंटेंट पे बहुत ज्यादा टाइम भी लगाते हैं, तो वो लेंथी कंटेंट भी होते हैं ऑब्वियसली। तो जब आपके पास लार्ज टीम होती है तो आपका जो है वो कंटेंट भी इसी तरह ही निकलता है, फिर वहां पर आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है, समटाइम्स पड़ जाती है, समटाइम्स नहीं पड़ती, कुछ और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है। तो आज के हम डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करेंगे, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.